स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब्जेक्ट्स डिप्लोमा 6M। उसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो क्या है, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम एक सब्जेक्ट का नाम है, उसमें एक पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम होता क्या है, जो मीनिंग है ट्रैक्शन का वो मीनिंग क्या होता है ट्रैक्शन का। तो ट्रैक्शन सिस्टम मतलब होता है प्रोपल्शन ऑफ व्हीकल। ठीक है, प्रोपल्शन ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड ट्रैक्शन सिस्टम। मीन्स व्हीकल को रन कराने के लिए हम जिस सिस्टम का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है आपका, ट्रैक्शन सिस्टम। आई रिपीट, प्रोपल्शन ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड ट्रैक्शन सिस्टम। मीन्स व्हीकल को रन कराने के लिए हम जिस सिस्टम का यूज करते हैं उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो ट्रैक्शन सिस्टम है वो आपका दो पार्ट होता है। ठीक है, ये जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। अब आपको नाम से ही क्लियर है कि नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम मतलब क्या होता है, वह ट्रैक्शन सिस्टम जो किसी भी स्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करता है। मीन्स किसी भी व्हीकल को रन कराने के लिए ये जो ट्रैक्शन सिस्टम होगा, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, वो किसी भी स्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करेगा। इसका एग्जांपल हो जाता है आपका स्टीम इंजन ड्राइव एंड सेकेंड वन इज इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव। स्टीम इंजन ड्राइव में क्या होता है, हम क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं। जैसे कि आपने स्टीम पावर प्लांट पढ़ा था, स्टीम पावर प्लांट में हम क्या करते थे, स्टीम जनरेट करते थे, फिर उस स्टीम का यूज करके हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम स्टीम जनरेट करेंगे और उससे क्या करेंगे, हम अपने व्हीकल को रन कराएंगे। इस स्टीम इंजन ड्राइव में क्या रहेगा, ड्राइव मतलब किसी चीज को ड्राइव करना, चलाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे स्टीम जनरेट करने के लिए। स्टीम हम कैसे जनरेट करते थे, स्टीम पावर प्लांट में हम सबसे पहले क्या करते थे, कोल का कंबशन करते थे। ठीक है, कोल का कंबशन करने से आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। उस हीट को हम किस में यूटिलाइज करते थे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कौन करता था, बॉयलर। ठीक है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कौन करता था, बॉयलर। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा स्टीम इंजन ड्राइव में। सबसे पहले हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्टीम प्रोड्यूस करेंगे। स्टीम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कोल का कंबशन करके। ठीक है, जब आप कोल का कंबशन करोगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। उस हीट को यूटिलाइज कौन करेगा, बॉयलर। उस हीट को यूटिलाइज कौन करेगा, बॉयलर। बॉयलर क्या करेगा, इस हीट को यूटिलाइज करके वाटर को किसमें कन्वर्ट करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे जो हम स्टीम जो प्रोड्यूस हुआ है उस स्टीम को हम किसको सप्लाई देंगे, स्टीम इंजन को सप्लाई देंगे। ठीक है, अब स्टीम इंजन को सप्लाई देंगे। ठीक है, इंजन से क्या कनेक्ट रहेगा आपका, व्हीकल। ठीक है, व्हीकल का व्हील, तो उससे क्या होगा, आपका जो व्हीकल है वो क्या होगा, रन होगा। तो ये कहलाता है आपका स्टीम इंजन ड्राइव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया। ठीक है, आप स्टीम इंजन ड्राइव में देख रहे हो, जो स्टीम हमने प्रोड्यूस किया है उसको हम किसमें सप्लाई दे रहे हैं, स्टीम इंजन में। ये जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम किसमें सप्लाई दे रहे हैं, स्टीम इंजन में। तो आप देख सकते हो हमने कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया है। तो ये जो ड्राइव है आपका वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर आएगा स्टीम इंजन ड्राइव। सेकेंड हम देखते हैं इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव। इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव, जो हमारा बस चलता है, ट्रक चलता है, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट फ्यूल का कंबशन होता है, पेट्रोल या डीजल। ठीक है, उसका क्या होता है, इंजन में कंबशन होता है। तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव।
ये भी क्या होता है, किसी भी स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करता है। ये जो ड्राइव है वो भी किसी भी स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहा है, इसलिए ये किसके अंदर आएगा आपका, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। तो नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में हमने किस किस टाइप का ड्राइव देखा है, एक तो आपका स्टीम इंजन ड्राइव देखा है और दूसरा हमने क्या देखा है, इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव। दोनों ही ड्राइव जो है किसी भी स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहे। स्टीम इंजन ड्राइव में जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम किसमें पास करा रहे हैं, स्टीम इंजन में पास करा रहे हैं, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव में क्या हो रहा है, जो फ्यूल है आपका पेट्रोल हो गया डीजल हो गया, उसका क्या हो रहा है, इंजन में कंबशन हो रहा है, तो कहीं पे भी ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहे। अब हम सेकेंड देखते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम मतलब वह ट्रैक्शन सिस्टम जो व्हीकल को रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। ट्रैक्शन सिस्टम अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है व्हीकल को रन कराने के लिए तो वो क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। तो अब आपको नाम से ही क्लियर है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम मतलब क्या होगा, वह इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो व्हीकल को रन कराने के लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगा वो क्या कहलाएगा आपका, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, मीन्स वह ट्रैक्शन सिस्टम जो किसी भी स्टेज पे व्हीकल को रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगा, ठीक है। मीन्स इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब वह ट्रैक्शन सिस्टम जो इनडायरेक्टली क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगा इनडायरेक्ट फॉर्म से ट्रैक्शन सिस्टम को व्हीकल को रन कराने के लिए, वो क्या कहलाएगा आपका, इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है आपका, बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स, रोड व्हीकल्स और डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव। बैटरी ड्रिवन रोड व्हीकल मतलब, अब देखो इस ट्रैक्शन सिस्टम में क्या होगा, हम ये किसका पार्ट है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का पार्ट है, मतलब ये दोनों क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। लेकिन हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी तो यूज कर रहे हैं लेकिन एक जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है और सेकेंड है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है। तो आप देख सकते हो जो रोड में चलता है बैटरी, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, बैटरी ड्रिवन रोड व्हीकल्स वो भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, ठीक। दूसरा इसका एग्जाम्पल है डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव। डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, मोटर जनरेटर सेट यूज करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, मोटर और जनरेटर का सेट यूज करेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे बाय यूजिंग हम अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस किया है हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब उसको हम किस पे देंगे, मोटर को देंगे, ठीक है। मोटर क्या करता है, मोटर का काम क्या रहता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का, ट्रैमवेज, ठीक है, ट्रॉली बसेस और इलेक्ट्रिक रेलवेज। इलेक्ट्रिक रेलवेज जो आपका क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेलवेज क्या है, जो अपना रेलवे चलता है, रेलवे है, वो किसके अंदर आएगा आपका, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर आएगा, जो डायरेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। ट्रैम बेस, ठीक है, जो आप ट्रैम बेस क्या होता है आपका, जैसे आपने कलकत्ता में देखा होगा, अगर कभी कोलकाता आपने गया है तो वहां पे देखोगे आप, रोड के किनारे क्या होता है,
बस टाइप का एक व्हीकल चलता है, ठीक है। और वो जो व्हीकल है वो किसके थ्रू चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। मतलब आपका ओवरहेड में क्या होता है, सप्लाई जाता है, ये सप्लाई जो है उस व्हीकल में जाता है, वो सप्लाई जो है व्हीकल में जाता है, ठीक है। या तो आप नेट में सर्च करोगे ट्रैमवेज तो आपको इमेजेस दिख जाएंगे, पूरी लाइन पीछे रहती है इसके लिए, ट्रैमवेज के लिए, ठीक है, जो रोड के किनारे ही उसी लाइन पे चलता है, मतलब उसी ट्रैक पे वो चलता है। तो ये होता है आपका ट्रैमवेज, जो सीधा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। ट्रॉली बसेस भी क्या होता है, डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। और इलेक्ट्रिक रेलवेज आप देखे होंगे डायरेक्ट क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। तो हमारा जो रेलवे है वो कौन सा सिस्टम यूज करता है, सिंगल फेज 25 kV 50 Hz, ठीक है। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। मेनली हमें किसके बारे में पढ़ना है, रेलवेज के बारे में पढ़ना है। इंडिया में हम जो जो यूज करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इंडिया में जो रेलवे को सप्लाई जाता है वो क्या होता है आपका, सिंगल फेज 25 kV 50 Hz, ठीक है। आपका ये ट्रेन है, आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन में कभी ट्रेन है उसके ऊपर एक ओवरहेड लाइन जाता है। इस ओवरहेड लाइन का सप्लाई किस पे जाता है, इस लोकोमोटिव में, मतलब ट्रेन में जाता है। तो इस ओवरहेड में कितना सप्लाई होता है आपका, 25 kV, ठीक है, सिंगल फेज 25 kV 50 Hz। तो ये एक था ट्रैक्शन सिस्टम का। ट्रैक्शन सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम देखा और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम देखा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब हम देखते हैं कि अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव पढ़ना है, उसके एडवांटेजेस पढ़ने हैं और डिसएडवांटेजेस पढ़ना है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव। तो ये है आपके 6 टाइप्स के ड्राइव, ठीक है। ड्राइव बोलो या फिर ट्रैक्शन सिस्टम बोलो, एक ही है। ट्रैक्शन सिस्टम मतलब क्या, जो व्हीकल को रन कराने के लिए हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, ट्रैक्शन सिस्टम। तो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के ड्राइव्स हैं या बोल लो कि ट्रैक्शन सिस्टम। तो फर्स्ट है आपका डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव, सेकेंड है डायरेक्ट इंटरनल कम्बशन इंजन ड्राइव, थर्ड वन इज स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव, फोर्थ इंटरनल कम्बशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव, फिफ्थ बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड सिक्स है इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक। तो अब हमें ये इतने सारे जो हमने पढ़ा है डिफरेंट ट्रैक्शन सिस्टम या फिर ड्राइव्स, उसका हमें क्या पढ़ना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक। जो मेन हमें कंसीडर करना है वो किस पे करना है, इलेक्ट्रिक ड्राइव पे, क्योंकि हम क्या यूज करते हैं, जो रेलवे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। तो यहाँ पे हमें जो मेन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपका, इलेक्ट्रिक ड्राइव का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। आपके एग्जाम में भी अगर फर्स्ट यूनिट से कुछ आता है क्वेश्चन, तो वो यही क्वेश्चन आता है, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो आप सबसे पहले क्या है आपका, डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि स्टीम जो प्रोड्यूस होगा वो हम किस में देंगे, स्टीम इंजन में देंगे। तो ये क्या कहलाता है आपका, डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव, ठीक। अब ये देखो स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव, स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव मतलब सेम आप स्टीम पावर प्लांट को कंसिडर करो। यहाँ पे हमने जो स्टीम प्रोड्यूस हुआ उसको किसको दिया, स्टीम इंजन को। यहाँ पे जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो सेम आपके स्टीम पावर प्लांट को फॉलो करेगा। स्टीम प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसके बाद हमने उसको स्टीम टरबाइन में दिया। स्टीम टरबाइन के साथ क्या कपल रहता है आपका, अल्टरनेटर। टरबाइन रोटेट होगा तो क्या होगा, टरबाइन किसको ड्राइव कराएगा, अल्टरनेटर को। तो अल्टरनेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हम किसको देंगे, मोटर को देंगे। लेकिन ये जो है स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये यूज नहीं किया जाता है,
नहीं किया जाता है। अब देखो सेकेंड है डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव। ये क्या है डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव, मतलब फ्यूल का कंबशन होगा इंजन में, वो क्या है आपका इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव। और नेक्स्ट है आपका इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका मोटर जनरेटर का सेट लगेगा, जहां पे भी आपको दिख गया इलेक्ट्रिक, मतलब वो क्या यूज कर रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट है आपका बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव, जो बैटरी से चलता है, ठीक। और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सारे जो ड्राइव्स है या ट्रैक्शन सिस्टम है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।